नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। बलरामपुर जनपद के तुलसीपुर रोड पर एक कार अनियंत्रित होकर गहरे तालाब में जा गिरी, जिससे कार में सवार दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं आनन फानन में जिला प्रशासन रेस्क्यू होती पहुंचा तथा मौके पर एनडीआरएफ एवं राहत बचाव कार्य की टीम पहुंची। इस दौरान जिलाधिकारी श्रुति, पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सक्सेना, सत्य विधायक बल्टूराम एवं सीओ सिटी वरुण मिश्रा के अलावा आला प्रशासन भी मौजूद रहा, जहां कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू करके दोनों शवों को बाहर निकाला गया। वहीं तालाब में गिरी कार को भी बाहर निकाल लिया गया। मृतक दोनों युवक बलरामपुर जनपद के पहलवारा यूपी होटल के पास के बताए जा रहे हैं, जिनका नाम राहुल पाठक एवं पवन पाठक है। घटना यहाँ पे बल्हा दिखते हुए है। ये एक वाहन था, गाड़ी थी कार हुंडई की और यूपी 47 AB 77-19। इसमें दो लोग तुलसीपुर की तरफ से आ रहे थे, बलरामपुर की तरफ। ओवर स्पीडिंग गाड़ी थी और एक आए कि हाँ जो तालाब है उसमें घुस गई। इसमें दोनों लोगों की मृत्यु होने की संभावना है। इसमें एक डेड बॉडी दी गई है। राहत का बचाव का कार्य चल रहा है। कहाँ से ये लोग आ रहे थे? ये लोग तुलसीपुर की तरफ से आ रहे हैं। सर, कितने लोग सर सवार थे? देखिए, बताया जा रहा है, दो लोगों के बारे में बताया जा रहा है। जब जानकारी के हिसाब से दो लोग इसमें थे। रास्ता खाली रखिए आगे। हेलो, तो कल पिछड़ो पिछड़ो फटो हट जाओ। हां जी, अभी देर भी नहीं है। मां तो करे लगे बढ़िया। इधर आई थोड़ा सा, आप लोग जगह दे दीजिए। सिकंदर सुजीत पीछे आओ। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। अगर आप रहना चाहते हैं हर वक्त अपडेटेड, देखते रहिए लाइव टीवी समाचार।